बिहार में धूमधाम से मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस यौमे जमहूरिया। कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ख्याल रखते हुए किया गया झंडा उत्तोलन। सीमावर्ती क्षेत्र किशनगंज में हर साल की तरह इस साल भी शहीद अशफाकुल्ला खान स्टेडियम में जिला अधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश के झंडा उत्तोलन के बाद पुलिस जवानों द्वारा तिरंगे को सलामी दी गई। जिलाधिकारी के संबोधन के बाद परेड में उत्कृष्ट करने वाली टीम पुरस्कृत की गई। सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद व विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाले सम्मानित किए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संक्रमण में किए गए उत्कृष्ट कार्यों हेतु स्वर्गीय डॉक्टर रफत हुसैन अवार्ड से सम्मानित किए गए। शराबबंदी को प्रभावी बनाने वाले उत्पाद विभाग एवं पुलिस जवानों को भी सम्मान से नवाजा गया। वहीं जिले के दूसरे सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में भी कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ख्याल रखते हुए झंडा उत्तोलन किया गया, परचम कुशाई की गई। सीमांचल की शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने में अहम भूमिका निभाने वाले तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के सभी शैक्षणिक संस्थानों में सिलसिलेवार तरीके से झंडा उत्तोलन यानी परचम कुशाई की गई। आपको बताते चलें कि इस समय शिक्षा विभाग के आदेशानुसार सभी शैक्षणिक संस्थानों में पठन पाठन का काम बंद है, इसलिए झंडा उत्तोलन के दौरान केवल शिक्षक ही उपस्थित रहे। तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन मौलाना मुतीउर रहमान मदनी की गैर मौजूदगी में ट्रस्ट के सेक्रेटरी मास्टर अब्दुल रशीद, मौलाना अब्दुल रशीद मजहरी, जामिया आयशा इस्लामिया के प्रिंसिपल मौलाना मुजम्मिल हक मदनी द्वारा झंडा उत्तोलन किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट के दिगर जिम्मेदारान मसलन मोहम्मद यूसुफ अली, डॉक्टर मंसूर आलम, रहबर इस्लाम मौलाना मजरुल हक मदनी मुख्य रूप से मौजूद रहे। परचम कुशाई के बाद यौमे जमहूरिया के ताल्लुक से मौलाना मुजम्मिल हक मदनी ने बेशकीमती बातें कही। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज का दिन हमारी खुशी और उल्लास का दिन है और ये दिन मुल्क भारत में एक अजीब दिन जो 26 जनवरी के नाम से, जमहूरिया के नाम से हम जानते हैं। इस दिन की बड़ी महत्व और अहमियत है। तारीख में एक बुनियादी हैसियत इसकी है। सन 1947 को हमारा देश को आज़ादी मिली और तकरीबन 2.5 साल के बाद सन 1949 को नए भारत के कानून को मुसवदा तैयार करके पार्लियामेंट में पेश किया गया। 26 जनवरी आज के दिन सन 1950 को यह कानून मुत्तफ़ा राय से पास हो गया और नए भारत के सबसे पहला सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सबसे पहले सदर मुंतखब हुए। मैं इन महापुरुषों को जो मुल्क की बका के लिए, मुल्क की सालिमियत के लिए पहला बेड़ा उठाया, मैं इनको नमन करता हूं, सलाम करता हूं। बदरगा दोस्तों, आज का दिन और ये जमहूरी राज हमारे भविष्य के लिए, हमारे नस्लों के लिए बड़ी ही उम्मीद की किरण लेके आई है। जहां अंबेडकर की यानी गाइडलाइन में कानून रचे गए हैं, कानून के अंदर यहां के हर शहरी को, चाहे वो काला हो, गोरा हो, नाटा हो, लंबे हो, किसी भी मजहब और मिल्लत के मानने वाले हों, तमाम को इख्तियार दिया गया है कि अपनी तालीमी, अपनी तरबियती, अपनी दीनी मजहबी जो उनके मंसूबे हैं उसके नशर एसात कर सकता है। उन्हें इख्तियार दिया गया है कि अपने अपने ख्यालात को इजहार करें, उनको बनाएं। मैं समझता हूं कि दुनिया के अंदर जिस जमहूरियत के अंदर इनकी रूहें डाल दी गई हैं, जो इन्हें इख्तियार दिया है यहाँ के रहने वालों को, जो दरहकीकत मैंने बहुत दिन पहले सुना था
कि एक हिंदुस्तान अजीबुन फिल लौन वजीबुन फिल लिसान के एक ऐसा मुल्क है जहाँ के रंग बिरंग के लोग रहते हैं, वहाँ एक ही खित्ते में रहने वाले लोग मुख्तलिफ रंग के हुआ करते हैं, जबान उनकी किलोमीटर ही नहीं हाफ किलोमीटर में चेंज हो जाती हैं। इतने इख्तलाफात के बावजूद ऐसे कानून रचे गए हैं जो तमाम की मुराआत उसके अंदर मौजूद है। मैं इसको नमन करता हूँ और अपने लोगों को याद दिलाता हूँ कि इसकी कदर करनी चाहिए। आज हम याद करें कि मुल्क की सालमियत के लिए, इस जमहूरी कानून के हिफाजत के लिए हमें अपनी जानी माली कुर्बानी अगर देनी पड़े तो हम खुद दें और अपने आने वाले नस्लों की इस हिफाजत और बका के लिए उनकी हमें नसीहत करें। ये जमहूरी मुल्क, जमहूरियत, जिनके चार अनासिर होते हैं, चार बुनियादी खूंटी हुआ करते हैं, जिनमें सबसे पहला है इंतखाब। इंतखाब का मतलब ये होता है कि अवाम को इख्तियार दिया गया है, वो अवाम जिसकी कदर कीमत इस कानून ने दिया है, चाहे वो किसी भी तबके के रहने वाले हो, जिसको हम छोटा जात कह दें, मझला जात कह दें, बड़ा जात कह दें, ये हमारी बात हो सकती है, लेकिन कानून के दायरे में सरों को हक दिया गया है, वोट का हक सबको बराबर दिया है। एक ऊंचे खानदान में बसने वाले लोग, ऊंचे महल में रहने वाले बॉस, उनके वोट की जो कीमत है, एक बिल्कुल कूड़े और निचले तबके में रहने वाले लोग, उनकी भी एक वोट की उतनी ही कीमत इस कानून ने दिया है। इस कानून का एहतराम तमाम लोगों के दिलों में बसना चाहिए। इंतखाब, इंतखाब के जरिए से हमें हक दिया गया है कि लोग उस ऐसे शख्स को चुनें जो उनके भविष्य के लिए काम करें, उनके आवाज़ों को पार्लियामेंट पर उठाएं और उस उनके लिए सही वो कानून, वो तरीके, वो सारी चीज़ें जो तमाम लोगों के लिए मुसावी तौर पर काम आ सकें, ऐसा वो कानून पास करें, सबके मफाद के लिए काम हो, ऐसे लोगों का इंतखाब करें। दूसरी चीज़ होती है तर्ज़ हुक्मरानी, कि एक आदमी जिस सोसाइटी को, जिस सियासी पार्टी को हमने लाया, उनकी तर्ज़ हुक्मरानी क्या है, किस तरह से शासन करते हैं, मुल्क के मफाद के लिए, मुल्क के रहने वाले लोगों के मफाद के लिए, उनके शहरियत के लिए, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए वो क्या कर रहे हैं, उन सारे तर्ज को देखनी चाहिए। और तीसरी चीज़ होती है अदलिया। अदलिया एक तो ये इंसाफ की मंदिर हुआ करती है, इंसाफ की निशानी हुआ करती है, वहाँ जहाँ एक मजलूम को किसी नाहिए से अगर जुल्म होता है, इंसाफ का अगर कहीं अगर मौका नहीं मिलते तो ये अदलिया उसका यानी एक अच्छी जगह है, अच्छी मंदिर है, जहाँ जाकर के इंसान अपने तामीर को पा सकता है, अपने यानी इंसाफ को पा सकता है। और चौथी चीज़ ये हमारे मीडिया है। मीडिया का माना ही होता है माध्यम, जहाँ एक हुकूमत की बातों को अवाम तक पहुँचाए, अवाम की बातों को हुकूमत तक पहुँचाए। कोई ऐसे मसले, गंभीर मसले जिसके लिए इंसान को एक मुत्तहिद करना है, आगे बढ़ाना है, उनकी आवाज़ को ऊंची करना है, ये माध्यम बनते हैं हमारे मीडिया। इसलिए मीडिया को गैर जानबदाराना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको मुल्क का, अपनी जमहूरियत का एक मजबूत स्तंभ करार दिया गया, मस्त खूंटी करार दिया गया है, खंभे करार दिया गया है, लिहाजा इसको तो टाल मटोल नहीं होनी चाहिए, इसको कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, कोई जानबदारा तरीका इख्तियार नहीं करनी चाहिए, सही सही तौर पर गैर जानबदारा जो उनके असल रूहानियत है उनको बाकी रहे, तो इंशाल्लाह ये मीडिया भी इस कौम मुल्क को आगे बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा इनका हाथ रहेगा और हाथ रही है। मैं उम्मीद भविष्य में भी करता हूँ कि ये चीज़ें रहें। मैं इस मौके पर अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को और कौम के लोगों को, देशवासियों को कहना चाहेंगे कि आप अच्छी तालीम लीजिए। जब तक अच्छी तालीम, तालीम एक मिशन हुआ करती है, तालीम एक नूर होती है, तालीम एक रोशनी होती है। इंसान अंधेरे में कुछ पाता नहीं, अंधेरे में तो काला गोरा सब बराबर हुआ करते हैं, रोशनी होती है तो इंसान अच्छे और बुरे को समझते हैं, काला गोरा को समझते हैं, इसे तालीम उसके अंदर होनी चाहिए। और इस तालीम के जो मंसूबे हैं, जो मकसद है, सही मकसद को उन्हें चुनना चाहिए। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि तालीम के साथ साथ सियासत में भी इनका कदम होनी चाहिए, क्योंकि सही नुमाइंदा अगर होगा तो सही लोगों को सही राय मिल सकेगी, राहत मिल सकेगी दुनिया को। इसलिए कि जब नुमाइंदे हमारे गड़बड़ हो जाएंगे, इंजन हमारा ख़राब होगा, तो उस वक्त सारे उनके पीछे चलने वाले डब्बे और बुग्गियाँ ये भी ख़राब हो सकते हैं। इसलिए नुमाइंदा हमारा चुनना बहुत अच्छा यानी काम है और अच्छे लोगों को नुमाइंदा होना चाहिए। आप भी सियासत में आइए, आप भी मुल्क के लिए सोचिए और याद कर लीजिए आज के दिन
कि हम सिर्फ ऐसी खुशी नहीं मनाएंगे, लड्डू नहीं खाएंगे, जिलेबी नहीं खाएंगे। जिलेबी तो इस माना पर है कि अच्छा कानून हमें मिला है, लेकिन आपको भविष्य के लिए भी सोचना है कि हम इस देश के लिए, इस भविष्य के लिए, इन कानून की हिफाजत के लिए अपनी जानी माली कुर्बानी किसी तरह की जरूरत पड़े, चाहे मुल्क के अंदर हो, चाहे मुल्क से बाहर हो, चाहे सरी हदूद के अंदर हो, अगर कहीं भी जरूरत पड़े तो अपनी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार रहें। इन अहद के साथ आज का दिन मनाते हैं। वसल्लल्लाहु तआला नबी मोहम्मद वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे गांव मोहल्ला के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।